फ्रेंड्स, अब सुबह 9 बज चुकी हैं और मैं आज हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ अपने बैगनों की। ये बहुत अभी छोटे साइज़ में है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी दिन हो गए इनको लगे लगे, तो मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। छोटे छोटे पैकेट में आई है दरअसल, तो इनकी एक बार हार्वेस्टिंग देखिए। ये थोड़ा जो भी साइज़ है एक बार ले लेते हैं इनको। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक यहाँ से तोड़ लिया था, एक मेरे ये छोटे छोटे से बहुत जगह ये इस तरह से बैगन हो रखे हैं और काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली इनको लगे हुए। तो अब इनकी मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कैंची से काट दिया है इसको, अभी कैंची से काट रखा था इधर से, और बाकी तो इसमें सब छोटे छोटे लगे हुए हैं ये देखिए। और ये बहुत पुराना पेड़ भी है, जब पुराना अपने पास हो जाता है तो भी आपके इसी तरह छोटे छोटे से इसमें बैगन लगते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी एक बैगन है, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये थोड़ा नीचे गिरेंगे तो कोई बात नहीं, ये देखिए इस टाइप से नीचे गिर रहे हैं। एक तो जो भी बैगन है, मैंने सोचा था इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि बहुत दिन लगे लगे होते हैं तो फिर क्या पुराने, और इसमें कुछ ना कुछ इसको इन्फेक्शन भी मुझे लग रहा है। यहाँ वाले मेरे बैगन में कुछ ना कुछ इसकी पत्तियाँ भी मुड़ रही है, तो इसका पहले ट्रीटमेंट करेंगे, उससे पहले जो भी इसमें फ्रूट हैं वो उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी ये देखिए, तो ये छोटे छोटे बैगन हैं, चार लग चुके हैं, चार हो रुके हैं ये, और ये देखिए, क्योंकि ये क्या ख़राब हो जाएंगे ना, तो और बहुत दिन हो चुके हैं इनको। और एक दो टमाटर भी लगे हैं, उसकी भी मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ साथ में। तो यहाँ देखिए, ये रहा मेरा पूरा गार्डन, ये छोटे छोटे फूल हर सिंगार के, और यहाँ पर भी मेरा टमाटर हो रखा है। ये देखिए, ये टमाटर की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल झड़ रहे हैं, इवन ये कहाँ चले गया है। और यहाँ पर देखिए, ये नीचे करते ही कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग है टमाटर की, तो इसको ये देखिए पूरे लदे हुए हैं। ये देखिए, इसके भी अपन हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और काफ़ी समय तक मेरे बंदरों ने भी ये देखिए नीचे इसमें अच्छी खासी, एक बहुत अच्छा फीलिंग होती है तोड़ने की इसकी। ये देखिए, जब इसको अपन तोड़ते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले, देखिए टमाटर। और ये थोड़ा सा इसमें कलर आ चुका है, इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। और एक जो गिरा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, और इसमें भी छोटे छोटे टमाटर, ये चेरी टमाटर भी छोटे छोटे हो रखे हैं, उनको भी हम जो जो ये जो जो पक गए हैं उनको ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर गुड़हल देखिए मेरा कितना बढ़िया फ्लावर खिल रहे हैं गुड़हल की। और इसमें एक और बचा हुआ है शायद, ये छोटे छोटे चेरी टमाटर बचे हुए हैं, तो ये तोड़ लेते हैं। चेरी टमाटर इस बार मेरे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने आपको हमेशा वीडियो बनाकर दिखाई है इसकी। और ये अपने आप झड़ते हैं और उग जाते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मैं कभी इनकी वो नहीं करती हूँ कि पौधे देखिए पास में बहुत सारे अपने आप निकल चुके हैं। ये अपने आप जब ख़राब हो जाता है तो नीचे वाले मैं इसको बढ़ने देती हूँ। यहाँ फ्लावरिंग देखिए, दो दिन हो चुके थे इस फ्लावरिंग को होते होते। ये रहे मेरे टमाटर जो मैंने अभी आपके सामने ही हार्वेस्ट करे हैं। टमाटर का मुझे तो, मेरे को दूर से तो दो ही दिख रहे थे, और जब नीचे झुकाकर देखा तो देखिए फ्रेंड्स, 5-6 टमाटर भी निकल गए। और परसों मैंने आपको पालक की हार्वेस्टिंग कर दिखाई थी, ये देखिए। तो ये बैगन मेरे थोड़े से निकले हैं, 4-5 छोटे छोटे, लेकिन ठीक है, मैं हमेशा कभी सूखे भी बना लेते हैं, कभी गीले भी। एक आलू डालेंगे तो इसमें से तरी वाली हम 3 जनों के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको मेरी हार्वेस्टिंग कैसी लगी बैगनों की बताना। एक और बैगन मेरे को दिख रहा है, तो मैं एक और बैगन यहाँ पर तोड़ लेती हूँ। ये भी छोटा सा है, काफ़ी दिनों तक ये देखिए, एक और बैगन मेरे को दिख गया। तो कैसी लगी आपको मेरी बैगन की हार्वेस्टिंग? फ्रेंड्स, आप भी अपने गार्डन में कुछ ना कुछ लगाइए और हार्वेस्ट करिए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी मिलती है, और सबसे ज़्यादा इन फूलों को देखकर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपनी हैप्पी गार्डनिंग करिए, जो छोटी छोटी गार्डनिंग भी कर सकते हैं आप, जो भी आप लोगों की इच्छा हो, जो आप करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।